मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के चलते राज्य लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। इसके चलते मंगलवार को जयंत चौधरी ने दर्जनों गांव में पहुंचकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में वोट मांगे और यहाँ गाँव जाकर दलित, जाट और मुस्लिम बाहुल्य गाँव में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाओं में भारी जन समर्थन देखने को मिला। इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार के पास घोषणा है, योजना नहीं है, क्योंकि सरकार घोषणा करती है और उसे धरातल पर उतारती ही नहीं है। जिस तरह सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उस पर भी सरकार खरी नहीं उतर पाई है। एक तरफ शुगर मिल चले महीनों बीत गए और 20 दिन से ज्यादा किसानों को गन्ना डालते हो गए हैं। 14 दिन में गन्ना भुगतान करने वाली सरकार आज तक गन्ने के रेट ही तय नहीं कर पाई है। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जी, इन्होंने घोषणा की थी लगभग 7-8 साल पहले कि हम किसान की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। 2015 में शायद प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की, लेकिन 1.5 साल तक जो उनकी कमेटी बनानी थी, उनको जिन्होंने प्रस्ताव देना था कि योजना क्या है, दुगनी कैसे होगी, वो कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। तो मतलब घोषणा पहले करते हैं, बाद में बताते हैं कि क्या व्यवस्था कैसे बनाई जाए। स्मार्ट सिटी का इन्होंने ऐलान किया था कि 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। आप कोई एक स्मार्ट शहर बनाया क्या देश में अब तक? तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या लगता है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर खतौली में आ रहे हैं, कोई बड़ी घोषणा के लिए करेंगे क्या आप लोगों? अब तक तो करी नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि वही जो अंगारे हैं उन्हीं को जलाने की कोशिश होगी। और मैंने कोई भाषा उनसे मर्यादित, जब पश्चिम में आते हैं, ऐसी तो कोई बात सुनी नहीं कि किसानों को जिससे लाभ पहुंचे। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको जवाब देना चाहिए इस पर, किसानों से भी पूछना चाहिए कि आपकी लागत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। पहले तो एक पूरी व्यवस्था होती थी कि दाम निर्धारण से पहले किसानों को बुलाया जाता था, लखनऊ बैठक होती थी, किसान के प्रतिनिधि वहाँ जाते थे, उनको बताते थे कि हमारी इतनी इतनी लागत ऐसे बढ़ी है। शोध गन्ना शोध केंद्र हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वे अपनी रिपोर्ट देती थी, उसके बाद दाम घोषित होता था। इस बार तो ऐसी कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने खुद ही मन बना लिया पूंजीपतियों के साथ बैठ के कि भाव बढ़ाना नहीं है। तो जब वो मुजफ्फरनगर आ रहे हैं तो यहाँ के जो गन्ने की खेती कर रहे हैं उनको भी कुछ मिठास दें, उनके लिए दाम जो उचित है वो घोषित करें ताकि किसान मुस्कुराए। ये नेता लोग तो बहुत मुस्कुराते देखे हैं मैंने, योगी जी जब आजकल फोटो में आप देखेंगे तो खूब मुस्कुराते हैं, लेकिन किसान के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए ना। लगातार बीजेपी के बड़े नेता मदन भैया पर अटैक कर रहे हैं राजनीति को, उसको लेकर तो क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो कोई बढ़ाई तो करेंगे नहीं, वो तो सामने प्रतिद्वंदी हैं, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस समय जिस तरह सवाल पूछने पर बुलडोजर और पुलिस तैयार है, तो इसमें तो आपको होशियार होना चाहिए, पत्रकारों को गाज तो आप पे गिरेगी। सुरक्षा कवच है किसान के लिए, ये योजना भी फेल साबित हो रही है। ये भी इसमें लगभग पिछले 3 वर्षों में ही हिसाब लगाया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने फायदा ले लिया। जब किसान क्लेम लेने जाता तो उसे मिलता नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है। हमने कहा कि जो आवारा पशु के कारण किसान के फसल का नुकसान हो रहा है, उस फसल के नुकसान को भी इस योजना के दायरे में ला सकते हैं। तो सरकार तो प्रीमियम दे ही रही है और प्रीमियम आपसे भी काटा जा रहा है, तो जो योजना चल रही है सुचारू है तो उसका लाभ भी, पूरा लाभ किसानों को दिया जाना चाहिए। अब पूरा उपाय तो नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपका नुकसान है उसकी तो भरपाई हो जाएगी। मैं ये सुझाव आज यहाँ इस गदनपुरा के गांव में इस मंच के माध्यम से दे रहा हूँ, हमें चर्चा मुद्दों की करनी चाहिए, ये मौके होते हैं। फिर तो सरकार के साथ आपको लड़ना ही लड़ना है, जूझना ही जूझना है, काम तो होते नहीं। छोटे से काम के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है आम आदमी को, ये आप जानते हो मुझसे पहले। तो अब चुनाव है, अब हम अपने मुद्दों को लेकर चले, सरकार से जवाब मांगे, सरकार से सवाल पूछे। और सही मायने में आपने कहा कि प्रत्याशी मैं हूँ, प्रत्याशी मैं नहीं, प्रत्याशी तो आप सबको खुद बनना पड़ेगा। सारी समस्याओं का हल मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझता सारी आपकी समस्याओं, कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई दावा करते कि हमें देश जो है पूरे देश को भक्ति में विलीन कर देना और एक आदमी ताकतवर बनाना है और देश की सारी समस्याओं का जो जड़ पर जाकर वो हल निकाल देगा, ये संभव
भूल सबसे होती है, यही भाषा सामने वाला यूज कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर का एक मिजाज रहा, धारा के विपरीत चलने की आदत रही, सवाल पूछने की आदत रही। तो मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मतदाता जिसका हक है, अधिकार है, वह अपने अधिकारों को याद रखे, वो आगे एक कदम से एक कदम आगे चले और वह खुद सवाल पूछे।